हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतीक्षा कॉर्नर। तो अगर हमें हमारा वीक जो है वो बहुत ही रिलैक्स वे में स्पेंड करना है, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना है, तो हमें वीक की जो प्रिपरेशन है वो करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि फूड की हम ऐसी क्या क्या प्रिपरेशन है जो एक वीक के लिए करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है बाज़ार से सब्ज़ियाँ लाई थी, तो उसमें से जो लीफी वेजिटेबल्स रहती है वो मैंने इस तरह से न्यूज़पेपर में रख दी है, क्योंकि जो लीफी वेजिटेबल्स रहती है वो कभी भी हमें वॉश नहीं करनी है लाते ही। अगर हम उन्हें वॉश करेंगे तो ये दूसरे दिन ही ख़राब हो जाती है, वो अच्छे से नहीं रहती है। तो हमें इस तरह से न्यूज़पेपर में 7-8 घंटे के लिए रख देना है, और जब हमें लगे कि ये सेफ़ है तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो ये लीफी वेजिटेबल्स थी वो निकाल लिए है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से है। और अभी मैं इसकी डंडियाँ अलग करके इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रख दूंगी। इसी तरह से हमें लीफी वेजिटेबल्स जो है वो स्टोर करनी है। इस तरह से अगर हम स्टोर करेंगे तो ये 2 वीक से भी ज़्यादा दिनों तक रहती है। लेकिन अगर हम इन्हें वॉश करेंगे तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से देखिए एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, और इसे बाद में मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब मुझे चाहिए तब मैं उसे निकाल के उतना कोरिएंडर निकाल के उतना यूज़ करूँगी। इसी तरह से मैं बाकी सब्ज़ी अब जो है वो भी यूज़ करूँगी। अगर स्टील का डिब्बे का हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, बाकी जो वेजिटेबल्स थी वो मैं इसी तरह से अलग कर रही हूँ। हमारे घर में लीफी वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे देखिए, तड़के के लिए भी मैंने जो है ये तैयारी कर दी है, इसे भी मैंने अलग करके रख दिया है। ये पालक यहाँ पे है, इसी के साथ मैंने चाय के लिए भी थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि जब मुझे चाहिए तब मैं तुरंत चाय में डाल के चाय हमारी जो है ये बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो लीफी वेजिटेबल्स की तैयारी थी वो हो गई है। जैसे मुझे चाहेंगे वैसे मैं निकाल के धो के इसे यूज़ करूँगी। अभी देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी। अच्छी तरह से नमक मिक्स होने के बाद मैं इसमें जो हमारी बाकी सब्जियां रहती है वो इसमें जो हमें वॉश करनी है वो इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो टोमेटो और ऑनियन की जो पेस्ट रहती है वो मैं नहीं बनाती हूँ। जितना हो सके हमें ताज़ा ही खाना है, तो इसीलिए मैं 1 वीक की जो टोमेटो और ऑनियन की जो पेस्ट रहती है, या फिर जिंजर और गार्लिक की जो पेस्ट रहती है, वो मैं बना के नहीं रखती हूँ। और इतनी जो हम इस वीडियो में तैयारी करने वाले हैं, इतनी हम अगर तैयारी कर दें और अगर हमारे पास चॉपर है तो हमारी सब्ज़ी डालने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें जितना हो सके उतना फ्रेश ही खाना है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जितना हो सके उतना हमें ताज़ा ही खाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, जितना हो सके उतना ताज़ा ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक जो नमक का पानी था उसमें भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं इसे वॉश कर रही हूँ। आप नमक के साथ थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरे वॉश करके हो गए, और कितनी मिट्टी और गंदा पानी निकला है इसमें से। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे, उस पर ये सब कुछ रख देंगे। यहाँ पे जो ये जो पत्ता गोभी है ये मैंने धोई नहीं है, क्योंकि ये कट करके लाई हुई थी आधी, तो इसमें मैंने धोई नहीं। जब मैं चाहूँगी तब मैं धो के इसे रख दूँगी। इसे भी मैंने 7-8 घंटे बाहर ही रखा था। तो यहाँ पे देखिए, मिर्ची मैंने धो ली है, तो इसकी डंडियाँ मैं अलग कर दूँगी सूखने के बाद, और इस तरह से मैं इसे रख दूँगी ताकि ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहे। तो
तो अभी देखिए हमारी सब्जियां जो थी, बाकी जो थी वो अभी सूख गई है। तो इस तरह से जो बैग्स आती है फ्रिज में रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम फ्रिज के जो नीचे का काउंटर रहता है उसमें अगर हम इसी तरह से अगर सब कुछ एक साथ में ही डाल देंगे तो ये ज़्यादा थोड़ी दिक्कत भी करती है निकालने में और थोड़ी ख़राब भी हो जाती है। तो इसी तरह से हमें बैग्स यूज़ करनी है। ये बहुत ही यूज़फुल रहती हैं ताकि जितना जो हमें चाहिए वो हम बैग निकाल के तुरंत ही ले सकें। लेकिन अगर हम सब कुछ एक साथ ही डाल देंगे तो ये निकालने में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो इसी तरह से देखिए मैंने सभी सब्जियाँ जो थी वो धो के इसी तरह से सुखा के इसे बैग में रख के अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो अब जब मुझे चाहिए तब मैं तुरंत इसे लेके चॉपर में डाल के सब्जी बना लूँगी। तो सब्जी बनाने के लिए जो और ज़रूरी काम है वो है लहसुन का। तो ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 वीक का एक बार में ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी में भी आप थोड़ा लहसुन डाल के, यहाँ पे मैंने थोड़ा ही दिखाया है, तो इस तरह से लहसुन पानी में डाल के निकाल सकते हो। इससे छिलका जो है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। या फिर आप थोड़ा ओवन में गर्म कर सकते हो, या फिर जो तवा रहता है हमारा उसके ऊपर भी थोड़ा लहसुन गरम करके उससे भी बहुत ही जल्दी छिलका निकल जाता है। तो ये मैं 1 वीक के लिए थोड़ा अलग कर दूंगी, जिससे कि फटाफट से मैं इसे लेके सब्जी में डाल दूंगी कट करके। तो यहाँ पे लहसुन का हो गया है। अभी जो है हमारे यहाँ पे जो सब्ज़ी में ज़्यादा जो पीनट्स का पाउडर रहता है वो यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैं वही रोस्ट कर रही हूँ। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो पीनट्स है वो सब्ज़ी के लिए जो है उसकी पाउडर बना के रख दूँगी, और बाकी थोड़ा जो है उसकी चटनी बनाऊँगी जो 1 वीक के लिए हम जो खाने में हमारे खा सकते हैं, और थोड़ा से जो पीनट्स है वो मैं ऐसे ही खाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी के लिए जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। ये हमें सिर्फ 1 वीक का ही बनाना है, 1 महीने का बनाना नहीं है। अगर 1 महीने का बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए मैं हमारी 1 वीक की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मूंगफली डाली है, फिर लहसुन डाला है, इसमें थोड़ी चटनी डाली है मैंने, और नमक भी डाला है। वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो नमक डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसी तरह से हमारी 1 वीक की जो चटनी थी वो भी रेडी हो गई है। तो ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है उसके लिए हम सूजी का यूज़ करते हैं, तो हलवा बनाते हैं या फिर उपमा बनाते हैं। तो उसके लिए अगर हम इसे पहले से रोस्ट करके रखें तो यह अच्छा भी रहता है ज़्यादा दिनों तक, और हमारे जो टाइम है वो भी सेव होता है इससे। तो इसीलिए ये जो सूजी है वो भी मैं रोस्ट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सूजी भी हमारी रोस्ट करके हो गई है। हमारी ब्रेकफास्ट के बीच जो तैयारी थी वो हो गई है। अभी देखिए जो हमें छोटी भूख लगती है 4 बजे, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मखाने मैंने लाए थे वो मैं रोस्ट करके रख दूँगी। तो इस तरह से देखिए जब हम हाथ से इसे प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये होना चाहिए। तो हमें समझ लेना है कि हाँ ये अभी रोस्ट हो गए हैं, ताकि और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी भी रहते हैं मखाने। तो इसीलिए इसे मैं रोस्ट करके रख दूँगी, छोटी जब बच्चों को भी भूख लगती है तो वो इसे खा सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक भी हम डाल सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं मखाने को और भी टेस्टी बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने और एक चटनी जो हमारी मिर्ची के जो ठेचा रहता है, मिर्ची का ठेचा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मिर्ची की चटनी मैंने बनाई है। मैंने थोड़ी मिर्चियाँ ली थी जो हरी रहती है वो, उसे मैंने तो तवे के ऊपर रोस्ट कर दिया था। उसमें फिर मैंने थोड़ी सी मूँगफली डाली, नमक डाला और उसे ग्राइंड करके ये हमारी जो हरी चटनी है मिर्ची की वो भी रेडी हो गई है। तो 2 चटनी हमारी 1 वीक के लिए रेडी हो गई है। हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है और हमारी सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई है। अभी देखिए हम जो स्प्राउट्स है वो भी यूज़ करते हैं, तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो हम खाते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जो हरभरा रहता है वो यहाँ पे हरभरा और चना क्या बोल दोनों जो बोलते हैं, तो और मटकी जो है मट और मटके वो मैं यहाँ पे देखिए भिगो के रख रही हूँ। इसके फिर स्प्राउट्स हम बना के इसी सब्ज़ी के लिए यूज़ करेंगे।
इसे भी दूसरे दिन हम कपड़े में बांध के इसके स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं, तो वो हम फ्रिज में अगर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। तो अभी देखिए हम गुड़ का यूज़ हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शक्कर हम कम कर रहे हैं, तो हमारे घर में भी गुड़ का यूज़ ज़्यादा होता है चाय के लिए, दूध के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है वो गुड़ जो है इस तरह से उसका पाउडर बना के रख रही हूँ, कट कर रही हूँ इस तरह से, ताकि जब भी हम इसे डालेंगे तो ये तुरंत ही मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और मैं इसे अभी डिब्बे में रख के फ्रिज में ही रखने वाली हूँ, ताकि ये इसी तरह से अच्छे से रह जाए। ये अभी देखिए जब हम कभी मीठा बनाते हैं या चाय के लिए हम जब इलायची यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सारी इलायची अलग करके इसका पाउडर बना के रख देंगे, ताकि ये भी हम जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है 1 वीक की ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। इसके साथ हम 2 दिन 2 बार या फिर 3 बार राइस भी खाते हैं, तो उसकी भी मतलब वो भी 3 बार हो जाता है हमारा हफ्ते में। और इसी के साथ अगर हमारा कुछ प्लान है कि चाट बनाना है हमें या फिर कुछ पानी पूरी वगैरह ऐसा कुछ बनाना है, तो इसके लिए हम पुदीने की चटनी और इमली की चटनी भी बना के रख सकते हैं, या फिर इडली का कुछ प्लान है तो उसका भी बैटर बना के हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए हमारी जो 1 वीक की तैयारी थी वो हो गई है, और अभी हम कैसे हमारा जो वीक है वो थोड़ा रिलैक्स वे में स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है 1 वीक के लिए जो हमारी तैयारी है वो करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगली बार इसी तरह से यूज़फुल वीडियो आएगी। और हाँ फ्रेंड्स जितना हो सके हमें ताज़ा ही खाना है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।